देखिए दोस्तों, एक अपडेट आया है कि पहले क्या होता था कि जब हम फैमिली डिक्लेरेशन सबमिट कर देते थे तो उसमें हर साल सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले का अपडेट आया था दोस्तों कि उसमें मतलब बोला गया था कि आपको हर साल फैमिली डिक्लेरेशन सबमिट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी बेस पे है, तो कि हम कैसे दोबारा से जो फैमिली डिक्लेरेशन सबमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। हर साल आपको जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने वाला है। दोस्तों ये जो पॉपअप मैसेज आ रहा है इसके बारे में आपको बताऊंगा। और पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऑप्शन कहाँ पे आता है, ठीक है। जब आप अपना चरमस आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉग इन कर लोगे, तो उसमें वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वेबसाइट में तो जब आप पास पीटीओ का जो अप्लाई का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे तो फिर आपके पास ये इस टाइप का एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा। दोस्तों इसमें तीन कंडीशन दी गई है, तो कौन कौन सी कंडीशन है मैं आपको उसको बता देता हूँ, जिसको हिंदी में भी लिखी गई है और इंग्लिश में भी लिखी गई है। दोस्तों मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ, ठीक है। पहला जो पॉइंट है वो है परिवार घोषणा को कर्मचारी द्वारा वर्ष में एक बार अपडेट करने की आवश्यकता है। यदि पिछली पारिवारिक घोषणा 13 महीने से अधिक पुरानी है तो पास पीटीओ जारी नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ है कि आपको अब हर साल फैमिली डिक्लेरेशन सबमिट करनी है। और दोस्तों ये आपको क्या है, 1 महीना और एक्स्ट्रा देता है, जिसको हम ग्रोस बोलते हैं, तो ग्रेस बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। तो यदि आप 13 महीने के बाद में डिक्लेरेशन सबमिट नहीं किया आपने, तो आप पास पीटीओ है वो आपका जारी नहीं होगा। तो दोस्तों ये मैंडेटरी है आपको, ये यदि हर साल आपको ये क्या करना है, आपको दोबारा से रिडिक्लेयर सबमिट करना ही है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट है बिना किसी बदलाव के मौजूदा घोषणा की पुनः पुष्टि करने के लिए कृपया नो चेंज इन फैमिली डिक्लेरेशन बटन पर क्लिक करें, और उसके बाद सिस्टम मौजूदा परिवार घोषणा के आधार पर पास जारी करने की अनुमति देगा। तो दोस्तों इसमें जो दूसरा पॉइंट है इसको हम समझने के लिए हमें थोड़ा नीचे चलना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो मेरी डिपेंडेंट फैमिली है उसका नाम है, ठीक है। तो अभी देखिए एक वाइफ का नाम आ रहा है क्योंकि एक ही डिपेंडेंट है अभी, ठीक है मेरा। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, पहला है नो चेंज इन डिक्लेरेशन, दूसरा है री डिक्लेयर फैमिली। तो दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है वो इसी बेस पे है, यदि आपकी फैमिली में कुछ भी चेंज नहीं है, जो पहले आपका डिपेंडेंट जितने मेंबर थे उतने ही ऑलरेडी हैं, तो आपको नो चेंज इन डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही जो पहले वाले जो आपके डिक्लेरेशन आपने सबमिट किया था शुरू में, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सबमिट हो जाएगी, और फिर आप पास पीटीओ आपके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट नो चेंज इन डिक्लेरेशन का ऑप्शन है, दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो देखिए तीसरा जो इसमें जो पॉइंट दे रखा है वो है यदि परिवार के विवरण में कोई परिवर्तन होता है तो कृपया परिवार घोषणा पृष्ठ फैमिली डिक्लेरेशन पेज पर जाने के लिए रीडिक्लेयर फैमिली बटन पर क्लिक करें और अनुमोदन के लिए संशोधित परिवार घोषणा प्रस्तुत करें। अनुमोदन के बाद ही संशोधित घोषणा का अनुसार पास जारी किया जाएगा। दोस्तों तीसरे पॉइंट का मतलब ये हुआ, यदि मान लो आपका फैमिली मेंबर में कोई सदस्य बढ़ गया है या फिर कोई घट गया है, तो उसके लिए आपको रीडिक्लेयर फैमिली पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप रीडिक्लेयर फैमिली पे क्लिक करोगे तो आपके जो भी डिपेंडेंट मेंबर्स हैं उनका यहाँ पे जो है जो जानकारी है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसमें दोस्तों फिर से आपको जैसे जो भी मेंबर हैं उनकी आपको जो आइडेंटिटी जो प्रूफ है, आईडी प्रूफ, उसमें आपको आधार कार्ड हो गए वो आपको अपलोड करना है, और उसमें दोस्तों पीडीएफ फाइल अपलोड होगी, ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और फिर उसमें एक ऑप्शन आता है डिपेंडेंट का, डिपेंडेंसी का, तो उसमें आपको डिपेंडेंट लिखना है, ठीक है। और फिर एक लास्ट उसमें ऑप्शन आता है वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए जो वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है वो अभी मैंडेटरी नहीं है। पहले आपको पता होगा जब मैंने पहले वीडियो बनाया था उस टाइम पे वो मैंडेटरी था और हमें उसमें वैलिडिटी डालनी थी, तो मैंने उसमें एक ऑप्शन बताया था कि आपको रिटायरमेंट की वैलिडिटी डाल देनी है। लेकिन अभी वो ऑप्शन दोस्तों जो डॉक्यूमेंट की जो वैलिडिटी का जो ऑप्शन है लास्ट वाला वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, उसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी डालने की जरूरत नहीं है, वो कोई मैंडेटरी अभी नहीं है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ जो फैमिली डिक्लेरेशन जो प्रूफ है वो आपको अपलोड कर देना है, और जो डिपेंडेंसी जहाँ लिखा हुआ है उसमें आपको डिपेंडेंट लिखना है, ठीक है। और फिर आप उसको सबमिट कर सकते हो, तो वो आपके जाएगी पास कलर के पास में, ठीक है। तो पास कलर उसको वेरीफाई कर देगा, तो फिर आप क्या फिर आप पास पीटीओ क्या जारी आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो कि दोस्तों मेरा अभी कोई भी चेंज नहीं है, तो मैं नो चेंज इन डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और
आपका दोस्तों कुछ भी चेंज है, आपने कोई भी फैमिली मेंबर्स ऐड करवाया है या फिर आपने डिलीट करवाया है, तो आपको फिर रीडिक्लेयर फैमिली पे क्लिक करना है। या फिर दोस्तों एक बात और है, जैसे मान लो आपका जो फैमिली मेंबर में आपका सन है, तो सन की 21 ईयर एज हो गई है, तो उस केस में भी आपको रीडिक्लेयर फैमिली पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि दोस्तों ये जो HRMS में जो सिस्टम जो एल्गोरिथम सेट किया है, उसमें ऐसा किया है कि जो सन की 21 साल की मान लो एज हो गई है, तो फिर उसका जो आपका सन का जो उसमें से नाम हट जाएगा, सन का नाम नहीं आएगा। तो उसमें क्या होता है कि जब आपका लड़का अनमेरिड है और वो स्टडी कर रहा है, उस केस में आपको जहां से वो स्टडी कर रहा है, कॉलेज हो या जो आपका स्कूल हो, उसमें से आपको एक बोनोफाइड सर्टिफिकेट आपको बनवा के लानी पड़ेगी, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा ID प्रूफ के साथ में। ठीक है, और उसकी जो वैलिडिटी है दोस्तों वो 1 साल की रहेगी, मतलब हर साल आपको वो जो जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो आपको बनवा के लानी पड़ेगी, तब तक आपका बच्चा आपके ऊपर डिपेंड है तब तक। ठीक है, तो दोस्तों ये उसके लिए होगा जिसका बच्चे की एज 21 ईयर होने वाली है या फिर हो गई है, तो उसको रीडिक्लेयर फैमिली पे क्लिक करना पड़ेगा। भले उसका कोई भी फैमिली मेंबर नहीं बड़ा हो, लेकिन उसकी एज के हिसाब से आपको रीडिक्लेयर फैमिली पे क्लिक करना पड़ेगा। मुझे आशा है दोस्तों आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं अभी इसको करूंगा नो चेंज इन डिक्लेरेशन पे क्लिक। ठीक है, क्योंकि मेरा फैमिली मेंबर कोई भी बड़ा नहीं है, ना कोई घटा है, और ना मेरे सन की एज 21 साल हुई है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं नो चेंज इन डिक्लेरेशन पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही करना है। ठीक है, तो मैं अभी करता हूँ नो चेंज इन डिक्लेरेशन पे क्लिक। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन आएगा, आर यू श्योर, यस और नो। दोस्तों आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करना है। अब जैसे मैंने यस पे क्लिक किया, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सक्सेस का एक पॉपअप मैसेज आ गया है, योर फैमिली डिक्लेरेशन वाज सबमिटेड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ प्रोसीड विद पास जनरेशन। मतलब जो आपकी फैमिली डिक्लेरेशन है वो सबमिट हो गई है, अब आप पास पीटीओ जारी कर सकते हो। ठीक है ना, ये तो क्या दोस्तों जो पहले बारी हमने ऑलरेडी सबमिट हो गई है। यदि आप रीडिक्लेयर फैमिली पे क्लिक करोगे, तो आप उसमें आपकी जो फैमिली डिक्लेरेशन वो जाएगी पास कलर के पास में, जब वहां से वो अप्रूव हो जाएगी तब आप पास पीटीओ जारी कर सकते हो। ठीक है ना, तो मैं करता हूँ दोस्तों ओके पे क्लिक। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं यहाँ से आप पास पीटीओ जारी कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो दोस्तों एक छोटा सा अपडेट था जो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि दोस्तों अपडेट था ये, और ये सब हमारे लिए एम्प्लॉय भाइयों को पता होना चाहिए। अब हर साल आपको फैमिली डिक्लेरेशन आपको सबमिट करनी है, ये मैंडेटरी हो गया है। ठीक है ना, इस बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसके बच्चे की 21 साल एज होने वाली है या हो रही है, उसको भी दोबारा से रीडिक्लेयर फैमिली पे क्लिक करना पड़ेगा, दोबारा से उसको फैमिली डिक्लेयर सबमिट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये हमारे जितने भी एम्प्लॉय भाई है उनको इस बात का पता होना चाहिए, उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दोस्तों फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में जोर से कॉमेंट करिएगा, आपको जरूर से उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।